अमेज़ोन से ये मैंने पैकेट मंगाया है और ये देखिए वो पैंट है और किस पैकिंग में आया है। आपको याद होगा कि अमेज़ोन ने जो है सेकेंडरी पैकिंग बंद कर दी, यानी कि प्राइमरी पैकिंग में भेज रहा है। तो ये बहुत सारे सिटीज़ में अमेज़ोन ने स्टार्ट करा है, जैसे दिल्ली में करा है, मुंबई में करा है, तो काफ़ी सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे ये इनिशिएशन किया है कि वो जो है सेकेंडरी पैकिंग में अपने प्रोडक्ट नहीं सेल करेगा। कुछ प्रोडक्ट वो डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट अमेज़ोन कस्टमर को पहुँचाएगा, जैसे कि पैकिंग में मैन्युफैक्चर से आएगा या फिर सेलर से आएगा। जैसे कि वो आपने देखा होगा कि ये जो है प्राइमरी पैकिंग है इसकी, देखिए। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, किन किन का फ़ायदा है। सबसे पहले मैं बात करूँगा जो पैकिंग जो एनवायरनमेंट है, मतलब यानी कि अगर ये सेकेंडरी पैकिंग में आता तो मैं सेकेंडरी पैकिंग अमेज़ोन की उसको डस्टबिन में डालता या फिर उसको मतलब सेल करता, जो भी है वो एक तरीके से वेस्ट होता। तो वेस्ट होता तो एनवायरनमेंट में जाहिर सी बात है जब वो वेस्ट प्रोडक्ट जाएगा तो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। तो पहला ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि अमेज़ोन का इसमें आपको पता ही है कि अगर हम कोई बॉक्स भी बनवाने जाते हैं, अगर हम किसी मतलब शूज़ का बॉक्स भी बनवाने जाते हैं तो 10-12 रुपये का। अब ये सोचिए, ये इतना बड़ा है पैकेट, इस पैकेट का अगर अमेज़ोन बॉक्स बनवाएगा तो कम से कम 50 रुपीज़ ज़रूर वो चार्ज, मतलब 50 रुपीज़ का बॉक्स ज़रूर बैठेगा। तो एक तरीके से ये जो शिपिंग की कॉस्ट और बॉक्सिंग की कॉस्ट है वो यहाँ पे घट गई है, बॉक्सिंग की कॉस्ट। थर्ड, इसमें सेलर के लिए भी बेनिफिट है कि सेलर डायरेक्टली जो आ रहा है प्रोडक्ट डायरेक्टली शिप कर रहा है, उसको पैक नहीं करना सेकेंडरी पैकिंग में और डायरेक्टली अमेज़ोन को दे देना या अपने पास रख लेना है। तो ये है प्राइमरी पैकिंग और इसमें कुछ पता नहीं लग रहा कि ये अमेज़ोन से आया सिर्फ एक, क्योंकि मैं सेलर हूँ, मुझे पता है कि ये लेबल अमेज़ोन का है तो मैं इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ कि ये जो है अमेज़ोन से मैंने मंगाया था और ये पैकेट अमेज़ोन से आया है।